नमस्कार, क्यूरियोसिटी के 32वें अंक के हिंदी एपिसोड में आप सबका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर नम्रता। ये एपिसोड मूलतः अंग्रेजी माध्यम में प्रोफेसर फेलिक्स पास द्वारा इस महीने की शुरुआत में ही प्रसारित किया जा चुका है, जिसे आप दिए गए लिंक पर जाकर देख सकते हैं। शुरुआत करते हैं पिछले महीने के रहे कुछ खास दिलचस्प अनुसंधान अध्ययनों से। नासा अपने मिशन ओसैम 1 की शुरुआत कर चुका है, जिसके तहत वह एक रोबोटिक अंतरिक्ष शटल को उतारने की तैयारी में है। यह उपग्रहों के जीवन काल को ठीक करने, ईंधन भरने या बढ़ाने के लिए आवश्यक सभी उपकरणों से लैस होगा। नासा के इस मिशन से अंतरिक्ष के सतत विकास को प्रमुख तौर से बढ़ावा मिलेगा। दूसरी ओर वैज्ञानिकों की एक टीम ने फ्लोरिडा तट पर रहने वाले नरम मूंगा की एक आम प्रजाति में कैंसर रोधी यौगिक एलिथ्रोबिन की खोज की है। 25 वर्षों से शोधकर्ता एक प्राकृतिक रसायन की स्रोत की खोज कर रहे थे, जिसने कैंसर के इलाज के लिए प्रारंभिक अध्ययनों में एक सकारात्मक संकेत दिए थे। ये शोध नेचर केमिकल बायोलॉजी में प्रकाशित है। इसके अतिरिक्त कुकुर के साथ रहने से आपके पेट पाचन स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है। विशेषतः यह अध्ययन बच्चों में अधिक आशाजनक है, जिसका कारण आंत माइक्रोबायोम की संरचना के बदलाव से जुड़ा हुआ है। ये रोचक खोज सैंडिगो की डाइजेस्टिव डिजीज सप्ताह के एक सम्मेलन में प्रस्तुत की गई। एक अन्य खबर के अनुसार चिले के वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिका में एक ऐसे जीवाणु की खोज की है, जिसमें कुछ इस तरह के जीन पाए गए जो उन्हें प्राकृतिक एंटीबायोटिक और रोगाणुरोधी प्रतिरोध प्रदान करते हैं और ध्रुवीय क्षेत्रों से बाहर फैलने की क्षमता देते हैं। ये पर्यावरण दृष्टिकोण से वास्तव में चेतावनीपूर्ण संकेत है। नेचर में प्रकाशित एक शोध के अनुसार नई लेजर मैपिंग तकनीक का उपयोग बोलिवाई वर्षा वनों के अध्ययन के लिए किया गया। इस तकनीक द्वारा पुरातत्वविदों ने क्षेत्र में पिरामिड, नहरों और शहर जैसी सभ्यताओं की ऐतिहासिक खोज की है। प्राचीन संरचनाओं की खोज यह साबित करती है कि अमेजोनियन बहुत पहले से ही बस्ती जैसी संरचनाओं में एक साथ रहते थे। एक नई अर्थशास्त्रीय शोध से पता चलता है कि गरीबी मुख्य रूप से लोगों की क्षमताओं या दृष्टिकोण का उत्पाद नहीं है, बल्कि बहुत गरीब आमतौर पर गरीबी के जाल में फंस जाते हैं, जिसमें संसाधनों की शुरुआती कमी उन्हें अपनी परिस्थितियों में सुधार करने से रोकती है। MIT के एक अर्थशास्त्री द्वारा सहलेखक बांग्लादेश का एक दीर्घकालिक अध्ययन जो मैथ्यू इफेक्ट नामक सिद्धांत अमीर और अमीर हो जाते हैं तथा गरीब और गरीब के पक्ष में है। नीचे में प्रकाशित एक लेख के अनुसार बिल्लियां अपने दैनिक जीवन में अपनी मित्र बिल्लियों के नाम सीखती हैं, जो उनमें एक आपसी संचार का संदेश है। आपको बता दें, जीव विज्ञान के लिए 2021 का IG नोबेल बिल्ली मानव के विभिन्न संचार के तरीकों को मिला था। एक अन्य अध्ययन में पाया गया कि 13 साल की उम्र में बच्चों का दिमाग अपनी माँ की आवाज पर केंद्रित ना होकर अजनबी आवाजों के पक्ष में हो जाता है। इसलिए दुनिया भर के किशोरों का विरोधी होना लाजमी है और ये मात्र उनकी उम्र का तकाजा है। दूसरी ओर सर्जरी से गुजर रहे मरीजों के फेफड़ों में पहली बार माइक्रोप्लास्टिक पाया गया है। माइक्रोप्लास्टिक के प्रभावों को समझने की कोशिश अभी भी जारी। अमेरिका में प्रवासियों द्वारा अपने व्यवसाय शुरू करने और रोजगार पैदा करने की अधिक संभावना नजर आई है और ये अप्रवासी समूह के लिए लिहाज से दिलचस्प परिप्रेक्ष्य है। अगली खबर मधुमक्खियों से संबंधित है। विष और सम संख्याओं का भेद जो एकमात्र जानवर बता सकता है वो है मधुमक्खियां। जी, आपने सही सुना है ना, ये एक रोचक खोज। इसके अलावा खगोलविदों ने हमारी अपनी आकाशगंगा के केंद्र में सुपरमैसिव ब्लैक होल सेगिटेरियस ए स्टार की पहली छवि का अनावरण किया है। छवि का निर्माण एक वैश्विक शोध दल द्वारा किया गया, जिसे इवेंट होराइजन टेलीस्कोप EHT कहा जाता है, जिसने गत वर्ष भी एक ब्लैक होल की छवि की खोज की थी। ये इसके लिए रेडियो टेलीस्कोप के विश्वव्यापी नेटवर्क का उपयोग करता है। अगली खबर ऑस्ट्रेलिया के शोधकर्ताओं द्वारा पुराने टायरों को रिसाइकल करने के रोचक तरीके से जुड़ी हुई है। शोध के अनुसार पुराने टायरों की रबर को कोल तार में मिलाकर बनाई गई सड़कें अधिक थर्मल प्रतिरोधक क्षमता रखती हैं, जिससे सड़कों की गुणवत्ता बढ़ाने के साथ साथ पुराने टायरों का सही और पूर्ण रूप से रिसाइकलिंग करने का तरीका सामने रखा गया है। अगली खबर में पशु चिकित्सकों के अनुसार कुकुर की ब्रीड
पग का स्वास्थ्य दयनीय है और डॉक्टरों के अनुसार इनके स्वास्थ्य को लोगों में इनके पालने की इच्छाओं से अधिक प्राथमिकता दी जानी चाहिए। मई माह की खबरों में इतना ही, आगे बढ़ते हैं जून के महीने में मनाए जाने वाले कुछ खास दिनों की ओर। 3 जून विश्व साइकिल दिवस के रूप में मनाया गया, तो वहीं 5 जून विश्व पर्यावरण के रूप में, जिसकी मेजबानी इस साल स्वीडन के द्वारा की गई। इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस का विषय केवल एक पृथ्वी ओनली वन अर्थ रहा, जिसमें प्रकृति के साथ सद्भाव में रहने की स्थिरता पर ध्यान केंद्रित किया गया। 7 जून विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, 8 जून महासागर दिवस, 14 विश्व रक्तदाता दिवस और 18 जून विश्व गैस्ट्रोनॉमी दिवस। 21 जून को ग्रीष्म संक्रांति दिवस के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी है, जिसका इस साल की थीम होगी मानवता के लिए योग। स्वयं एक नियमित योग अभ्यासी होने के नाते मुझे इस दिन का बेसब्री से इंतजार है। 29 जून उष्ण कटिबंधीय दिन है। 30 जून क्षुद्र ग्रह दिवस है, जिससे संबंधित खबरें अक्सर क्यूरियोसिटी के एपिसोड में आपके साथ साझा की जाती है। आगे चलते हैं इस महीने देखे जाने वाले कुछ बायनोकुलर इवेंट्स की ओर। इन्हें देखने के लिए आपको किसी टेलीस्कोप की आवश्यकता नहीं, प्रोफेसर फेलिक्स इसके लिए आपको स्काई व्यू ऐप का सुझाव दे रहे हैं। 17 जून बुध ग्रह को देखने के लिए एक बहुत अच्छा दिन है। सामान्य तौर पर यह सोचा जा सकता है कि पृथ्वी के अधिक नजदीक शुक्र और मंगल हैं, परंतु ऐसा नहीं है। हालांकि कुछ संक्षिप्त समय के लिए अपने कक्षीय समय में पृथ्वी अपने पड़ोसी ग्रहों के नजदीक आती है, पर वास्तव में औसतन हम बुध के ज्यादा करीब होते हैं। इसे ठीक एक दिन पहले आप स्ट्रॉबेरी मून देख सकते हैं, जो मूल रूप से इस वर्ष का सुपर मून है, तो इसे आप जरूर देखिए। 18 को कंजंक्शन या संयोजन है। संयोजन मतलब जब दो ग्रह या खगोलीय पिंड एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। 18 को आप चंद्रमा और शनि को एक साथ देख सकते हैं। 21 को चंद्रमा और सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति एक साथ नजर आएंगे। 22 को चंद्रमा और मंगल एक साथ होंगे। पढ़ते हैं इस महीने के कुछ खास अवसर, जैसे सरप पीडीएफ के साथ साथ आप एम्बो ग्लोबल इन्वेस्टिगेटर्स के आवेदनों को देख सकते हैं, और अतिरिक्त जानकारी के लिए आप फेसबुक पेज पर बने रह सकते हैं। इस अंक में इतना ही, मिलते हैं क्यूरियोसिटी के अगले एपिसोड में नई रोचक शोध खबरों के साथ। अंत में इस बेहतरीन अवसर के लिए मैं प्रोफेसर फेलिक्स बास्ट का धन्यवाद करती हूँ। उम्मीद है आपको ये हिंदी एपिसोड पसंद आया होगा। आपके सुझाव अमूल्य हैं। आप इस एपिसोड से जुड़े सुझाव या प्रस्ताव मुझे ईमेल या ट्विटर के माध्यम से भेज सकते हैं। नमस्कार।